नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं मीरगंज से गोपालगंज के लिए जो नई हाईवे बन रही है, और ये अभी अनकम्प्लीट है, पूरा बना हुआ नहीं है। बीच बीच में कहीं कहीं अभी काम बाकी है, लेकिन बीच में थावे के आसपास जहाँ अभी टोल प्लाजा बन के तैयार है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप अभी मीरगंज से गोपालगंज के लिए जाते हैं तो अब आपको टोल टैक्स देना होगा। जी हाँ, जो टोल प्लाजा था यहाँ पे चालू हो चुका है। रोड अभी अनकम्प्लीट है, रोड पूरा बना हुआ नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको टोल देना पड़ेगा। आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं रोड का, कैसा रोड बना है और कहाँ तक बना है आप इस वीडियो में देखेंगे। अब पीछे हम आपको घुमा के दिखा दें, ये जो रोड है ये मीरगंज से, इधर से मीरगंज से आ रही है, और ये मीरगंज बाईपास जो बाहर निकल जा रही है ये अनकम्प्लीट है। अगर बाईपास वाली रोड अभी चालू नहीं है, ये पूरा बना हुआ नहीं है, अभी आप लोग जब आएंगे मीरगंज से तो इस रोड से आना होगा। और ये रोड है जो गोपालगंज के लिए जा रही है, NH 28 में जाके बाईपास होके मिल जाएगी, लेकिन अभी उधर जो पुलिया का काम जो है नहर पे अभी कम्प्लीट नहीं है। तो आपको दिखाते हैं बीच में टोल प्लाजा का वीडियो। आपने इटुआ धाम का नाम सुना होगा गोपालगंज में। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये इटुआ धाम है, और ये मीरगंज से गोपालगंज के बीच में एक इटुआ पुल है, आगे में इटुआ पुल है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इटुआ धाम है। ये इटुआ पुल है ना, और यहीं पे है लछवार मंदिर, यहाँ पे भूत और जहाँ पे झाड़ फूंक वाला काम चलता है। और ये थावे से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे है, आप लोग कहेंगे तो यहाँ का एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। यहाँ पे भूत, सही में आप भूत देख सकते हैं। आप लोग गूगल करेंगे तो इस जगह को भूतों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, आप लोग देख सकते हैं गूगल करके यूट्यूब पे, तो आप लोग कहेंगे तो मैं भूतों का एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। और मंडे और फ्राइडे को यहाँ पे बहुत जगह से भूत आते हैं, सही के भूत आते हैं, हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। कितना टोल लग रहा है अभी? किसका सर, कौन सी गाड़ी का? कार का, छोटी गाड़ी का 15 रुपये। बस का? अगर LCV में उसका चक्का है तो सर उसका 25 रुपये लग रहा है। अच्छा, बड़ा चक्का है जैसे ट्रक वाला तो उसका 55 लग रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि छोटी गाड़ी कार का यहाँ पे 15 रुपये और बड़ी गाड़ी का 25। ये लोग को लग रहा था कि लोग पहले फ्री में जा रहा है, पैसा तोल लिया जाओ, जो पैसा है तो। अब आप मीरगंज से गोपालगंज के लिए आते हैं तो आपको टोल देना पड़ेगा अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो। जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे यहां पे पूरा लिखा हुआ है कि कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान 15 रुपये, और हल्का वाणिज्यिक यान या हल्के माल यान या मिनी बस 25 रुपये, बस या ट्रक 55 रुपये, 3 धुरी वाले 60 रुपये, और भारी जो निर्माण मशीनरी या कुछ और जाती है भारी वाहन तो 85 रुपये, और विशाल आकार के यान 7 या अधिक धुरी वाले 105 रुपये। ये भागेगा बिना पैसा दिए, भागेगा भागा 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 भागा। यहाँ के बारे में तो आप जानते ही हैं, यहाँ विश्व प्रसिद्ध जो थावे माता जी का मंदिर है, यहाँ का ब्लॉग हमने बहुत बनाया है एक दो वीडियो, और बहुत जल्द फुल डिटेल में वीडियो आपको मिलेगा यहाँ का। और यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए तब मैं यहाँ का एक वीडियो बनाता हूँ। अभी हम लोग थावे मंदिर आगे बढ़ रहे हैं, इसके थोड़ा सा पहले ही है टोल प्लाजा, और यहाँ पे हथुआ राज का उस समय जो एक ब्रांच था या जो था, हम जानकारी लेंगे पूरा, राजा मनन सिंह का किला इनके बगल में है, मैं उनके किले का भी ब्लॉग बनाऊंगा। हालांकि अभी जो राजा मनन सिंह जी का किला था वो अभी एक बहुत बड़े होटल में कन्वर्ट हो चुका है, बहुत अच्छा इसको मॉडिफाई करके होटल बनाया गया है।
आप देख रहे होंगे थावे से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े हैं, यहाँ पे रोड समाप्त हो रही है, आगे की तरफ रोड बना नहीं है अभी, ये बाईपास बन रहा है अभी, बाईपास पे बंजारी मोड़ से थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा। और यहाँ से जो पुरानी वाली थावे वाली रोड थी उस रोड से होके हम लोग गोपालगंज निकल जाएंगे। रोड कम्प्लीट नहीं है लेकिन आप देख रहे थे वहाँ पे टोल उगाही चल रही है, टोल टैक्स लिया जा रहा है। ये रोड बनना था और इसके लिए इस पूरे रोड के लिए टोल टैक्स लेना था, लेकिन अभी रोड अनकम्प्लीट है फिर भी टोल टैक्स लिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई इसकी जांच करने वाला नहीं है। ये रोड जो नई रोड बन रही है गोपालगंज से बाईपास होकर आप सीधे NH 28 में मिल सकते हैं और आगे की सफ़र आप वहाँ से जा सकते हैं। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा लोकल ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ही। और फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ, धन्यवाद।